ये है दिल्ली दर्पण। साल 2018 का आगाज जैसे ही हुआ वैसे ही चैंपियन एजे स्टाइल्स ने इतिहास रच दिया और 6 सुपरस्टार्स की उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने साल की शुरुआत से अंत तक टाइटल को रखा। एजे स्टाइल्स ने ब्रूनो सैम मार्टिनो, बॉब बैकलैंड, हल्क होगन, जॉन सिना और सीएम पंक के साथ अपने आप का नाम भी जोड़ लिया। एजे स्टाइल्स ने पहली बार 11 सितंबर 2016 को WWE टाइटल बैकलैश में डीन एम्ब्रोस के खिलाफ जीता था। वहीं साल 2017 जनवरी की रॉयल रंबल में स्टाइल्स को सीना के खिलाफ अपने टाइटल को गंवाना पड़ा था। इसके बाद लगभग 10 महीनों के बाद स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स ने जिंदर महल को चैंपियनशिप मैच में हराया। सिर्फ यही रिकॉर्ड एजे स्टाइल्स ने अपने नाम नहीं किया, जबकि स्टाइल्स वो रेसलर बन गए हैं जिन्होंने साल के शुरुआत और अंत में टाइटल अपने पास रखा है। इससे पहले ब्रूनो सैम मार्टिनो ने 1964 से लेकर 1970 तक, उसके बाद 1974, 1975 और 1976 में खिताब को अपने पास रखा था। वहीं हल्क होगन भी 4 बार ये कारनामा कर चुके हैं। आखिरी बार साल 2012 में सीएम पंक ने ये कीर्तिमान बनाया था। उससे पहले साल 2006 में जॉन सीना भी इतिहास रच चुके हैं। अब एजे स्टाइल्स भी रिकॉर्ड की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। देश दुनिया एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स जुड़ी सभी जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।